तो हमारी ये कविता बारहमासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता पद्मावत से ली गई है। हाँ हाँ एकदम सही सोच रहे हो, इसी कविता के ऊपर पद्मावत मूवी भी बनी है। तो इससे पहले कि हम कविता की पंक्तियों में कहीं खो जाएं, हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी जानना पड़ेगा। तो यात्रीगण अपना सीट बेल्ट बांध लें और चलो कविता के पहले की कहानी जानते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा हमको सिखा दिया है। ये कहानी है चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन और रानी नागमती की। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी नागमती की सुंदरता का पता चलता है और वो अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला करवा देते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले की बनावट के कारण कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके बाद आखिरकार हार कर अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्नसेन के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं और वो कहते हैं, हमें सिर्फ एक बार रानी नागमती को दिखा दो, उसके बाद हम शांति पूर्वक चले जाएंगे। अब राजा रत्नसेन और रानी नागमती सुल्तान खिलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें महल के अंदर आने देते हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान खिलजी नागमती को देखते हैं, वो तो उनकी सुंदरता के दीवाने हो जाते हैं और प्यार में पागल पड़ जाते हैं। और महल से वापस जाते हुए वो राजा रत्नसेन को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं, जिससे वो रानी नागमती को ब्लैकमेल कर सकें। अब रानी नागमती को नहीं पता कि वो दोबारा अपने प्यार राजा रत्नसेन को कभी देख भी पाएंगी या नहीं। और राजा रत्नसेन की याद में रानी नागमती 12 मास मतलब 12 महीने कैसे तड़प तड़प कर जी रही हैं, इसे इस कविता 12 मासा में बताया गया है। अब अच्छी बात यह है कि हमारी बुक में ठंड के सिर्फ 4 महीनों को ही 4 पदों के रूप में बताया गया है। तो हमारे पहले पद में लेखक जायसी जी ने सितंबर से अक्टूबर के बीच आने वाले अगहन मास में रानी नागमती के दुखों का वर्णन किया है। तो हमारी पहली पंक्ति में रानी नागमती जी कहती हैं, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, मतलब अगहन के आने से दिन घटकर छोटे और निशा मतलब रातें लंबी हो गई हैं। दू भर दुख जो जाई किमि काढ़ी, और अपने प्यार के बिना ये लंबी लंबी रातें बहुत कष्ट देती हैं। अब घनी देवस बिरह भार आती, मतलब दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं लेकिन ये रातें नहीं कटती। जरे बिरह जो दीपक बाती, और मैं दिए के उस बाती की तरह जल रही हूँ। कांपा हिया जनावा सीयू, मतलब आपसे बिछड़कर मेरा हिया मतलब मेरा हृदय कांप रहा है। तो पै जाई होई संग पीयू, और ये तभी ठीक होगा जब मेरे पिया मेरे संग होंगे। घर घर चीर रचा सब काहू, और घर घर में लोग ठंड के कपड़े निकाल रहे हैं। मोर रूप रंग ले गए ना हूँ, लेकिन मेरा तो रूप रंग मेरे पिया अपने संग ही ले गए हैं। मैं अब क्या ही पहनूं, क्या ही तैयार हूँ। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, और एक बार जो आप मुझसे क्या बिछड़ गए, आपने तो दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। अब हूँ फिरे रंग सोई, और अब तो मैं इस रूप रंग का ध्यान दिए बिना ही आपकी याद में इधर से उधर फिरते रहती हूँ। सियरी अग्नि भी रही नहीं जा रहा, और आपसे अलग होकर मेरा शरीर अग्नि की भांति जल रहा है। सुलगी सुलगी दगधह मैं धारा, और सुलग सुलग कर मेरा शरीर राख होता जा रहा है। यह दुख दगध न जाने कंतु, और मेरा ये दुख दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। जोबन जन्म करे भस्मंतु, और मैं अपने पति से बिछड़ कर जोबन की तरह उनके इंतजार में अपना जीवन भस्म कर रही हूँ। तो हमारे इस पहले पद के दोहे में नागमती जी कहती हैं, पियसो कहे हु संदेश रा ए भवरे ए काग, सुनो भवरे और कौवे मेरे पति को मेरा एक संदेश तो दे देना। सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, और उन्हें जाकर ये बताना कि बिरह की इस अग्नि में आपकी वाइफ नागमती इतनी ज़्यादा जल रही है कि उसके धुएं से हम दोनों काले हो गए। तो अभी तक हमने देखा कि अगहन महीने के छोटे दिन और लंबी लंबी रातों में नागमती अपने पति राजा रत्नसेन से वियोग में बड़ी दुखी है। और आगे के इस पद में हम देखेंगे
कि नवंबर से दिसंबर के बीच आने वाले पूस के महीने की कुड़कुड़ाटी ठंड में नागमती की स्थिति कैसी है। तो हमारे दूसरे पद की पहली पंक्ति में नागमती जी कहती हैं, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, मतलब पूस महीने की जड़ाने वाली ठंड में मेरा शरीर कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंका दिशा तापा, मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरज लंका दिशा की ओर आ रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजा रत्नसेन दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, जो सूरज की तरह रानी नागमती की ठंड को दूर करेंगे। विरह भरी बा दासुन सीयो, और विरह वेदना मतलब राजा रत्नसेन से बिछड़कर रानी नागमती की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। कांपी कांपी मरे ले ही हरि जीव, और उस कुड़कुड़ाटी ठंड में अपने पति से दूर रानी नागमती कांप कांप कर धीरे धीरे मरती जा रही हैं। कंत कहाँ है लागे हीरे, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पति हैं कहाँ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और उन्हें खोजने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। सौर सुपेती आवे जूही, चाहे मैं कितनी भी चीजें ओढ़ लूं, लेकिन ये ठंड है कि दूर ही नहीं होती। जाना हूँ सेज हिम वंचल बूढ़ी, और आपके बिना तो ये ब्लैंकेट भी हिमालय की बर्फ की तरह एकदम ठंडा प्रतीत होता है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकई को भी सिर्फ रात को ही अपने प्यार से ना मिल पाने का श्राप मिला था। हौनिसी बासर बिरह कोकीला, और रात के बाद सुबह होते ही चकई अपने प्यार कोकीला से मिल जाता है। रैनी अकेली साथ नहीं साखी, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास तो आपके अलावा कोई सखी मतलब कोई दोस्त भी नहीं है। कैसे जियो बिछोई पाखी, और एक अकेले पंछी की तरह मैं इन लोगों के बीच कैसे जियो। बिरह सचान भवे तन चाड़ा, मतलब हे बाघ पक्षी, मैं अपने पति से दूर विरह की अग्नि में जल रही हूँ। जीवत खाए मुए नहीं छाड़ा, आप मुझे जीवित ही खा लो, मुझे छोड़ना नहीं। रक्त धरा मांसू गरा हाड़ भय सब संख, इस विरह की अग्नि में जलकर मेरा खून सूख चुका है और ये शरीर का मांस गल चुका है, अब तो मेरे शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। धनी सारस होई रखी मोई, आई समेट हूँ पंख। सुनो बाज, मैं तुम्हें सारस पक्षी की तरह नहीं लग रही हूँ जो अपने पंखों को समेटे हुए हो, हाँ ना, तो आओ मुझे खा लो। तो हमारे दूसरे पद में हमने नवंबर से दिसंबर के बीच आने वाले पूस मास की कुड़कुड़ाटी ठंड में अपने पति से दूर वियोग की अग्नि में जलती नागमती के दुखों को जाना, और अब हमारे इस तीसरे पद में हम जनवरी में आने वाले माघ महीने की जमाने वाली ठंड में नागमती के दुखों को जानेंगे। तो हमारे इस तीसरे पद की पहली पंक्ति में नागमती जी कहती हैं, लागे उमाह पड़े अब पाला, अब तो कुड़कुड़ाटी ठंड वाला माघ का महीना लग गया है। बिरहा काल भय उजड़ काला, लेकिन इस कुड़कुड़ाटी ठंड में भी मैं बिरह की अग्नि में जलकर काली हो गई हूँ। पहले पहले तन रुई जो झापे, मैं बार बार अपने शरीर को रुए से बने ब्लैंकेट से ढकती हूँ। हहीली हहीली अधिकह है कांपे, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर ठंड से और भी ज़्यादा कांपता चला जा रहा है। आई सूर होई तपूर नाहा, सूर्य देव के आने से मौसम में थोड़ी सी गर्मी आई है। तेही बिनु जाड़ न छाटो माहा, लेकिन आपके बिना ये सर्दी मुझे छोड़ के जाएगी नहीं। यही मास उपजय रस मूलू, इसी महीने में लोगों के अंदर इंटीमेट होने की इच्छा बढ़ती है। तू सह भावर मोर जोबन फूलू, लेकिन आपके बिना तो मेरी यौवन ऊर्जा मतलब मेरी सीड्यूसिंग पावर बर्बाद चली जा रही है। नैन चुबही जस मुहट नीरू, मेरी आंखों में ये आंसू की बूंदें बहुत ही चुभ रही हैं। तेही जल अंग लाग सिर चीरू, और जब ये आंसू की बूंदें मेरे शरीर पे गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई शरीर में कोई नोकीली सी चीज चुबा दिया हो। टूट ही बूंद पर ही जस ओला, अब तो मेरी आंखों से बहते ये आंसू भी ओले की तरह प्रतीत हो रहे हैं। बिरह पवन होई मारो झोला, और जब ये पवन मतलब ये हवा मेरे शरीर को छूती है तो मुझे आपकी याद और भी ज़्यादा आती है। केही के सिंगार को पहिर पटोरा, किसके लिए अब मैं सिंगार करूँ। गिये नहीं हार रही हो डोरा, अब किसके लिए गले में हार पहनूँ, अब तो कोई मुझ पर डोरे डालने वाला है ही नहीं। तो हमारे इस तीसरे पद के दोहे में नागमती जी कहती हैं,
तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तनुवर भा डोल। मतलब तुम्हारे बिना तो मेरा ये दिल कांप रहा है और मेरा ये तन मतलब मेरा ये शरीर विरह रूपी हवा से डोल रहा है। तेही पर विरह जराई के चाहे उड़ावे झोल, तुम्हारे बिना ये विरह रूपी अग्नि मुझे जला देना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ ये हवा उड़ाकर कहीं दूर ले जाना चाहती है। तो हमारे इस पद में हमने जनवरी में आने वाले माघ महीने में नागमती के दुख को देखा और हमारे अगले और इस आखिरी पद में हम फरवरी में आने वाले फागुन महीने में नागमती के दुख को देखेंगे जब ठंडी हवाएं ठंड को चार गुना और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो हमारे इस चौथे और आखिरी पद की पहली पंक्ति में नागमती जी कहती हैं, फागुन पवन झकोरे बहा। मतलब फागुन के इस महीनों में हवा बहुत तेजी से बह रही है। चौगुन सीऊ जाई कि मिसहा, और इस तेज हवा ने ठंड को चार गुना बढ़ा दिया है जिसे मैं सह नहीं पा रही। तन जस पियर पात भा मोरा, और मेरा ये तन मेरा ये शरीर इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। विरह न रहे पवन होई झोरा, और आपसे विरह में मतलब आपसे अलग होकर मेरा ये शरीर पत्ते की तरह सूख गया है। तरीवर झरे झरे बन ढाका, अब सारे तरवर मतलब पेड़ से सूख कर पत्ते झर चुके हैं। भई अनपत्य फूल फल शाखा, और सारी शाखाओं में नए नए फूल और पत्ते खिलाए हैं। कारहीन बना फति कीन हुलासु, अब वातावरण में चारों ओर वनस्पति और फल फूल खिलने लगे हैं। मोह कहे भा जग दून उदासु, लेकिन मेरा तो जग मतलब मेरा तो ये मन आपके बिना उदास है। फाग कर रही सब चाचरी जोरी, और फागुन के इस महीने में चाचरी मतलब लोग कपल डांस कर रहे हैं। मोही जिये लाई दीन सब होरी, और ये सब देखकर मेरा दिल उसी तरह जल रहा है जैसे होली जलती है। जो प्या पी यही जरत अस भावा, कपल्स को यूं फेस्टिवल सेलिब्रेट करते देख मुझे अपने पिया की बड़ी याद आ रही है। जरत मरत मोही रोश न आवा, और इस होली के त्यौहार में मैं आपसे दूर होकर जलकर मर रही हूँ। रात हूँ देवस इह मन मोरा, रात दिन मेरा मन बस एक ही बात कह रहा है, लागे कंत छाल जी हूँ तोरा, कि मैं अपने पति के गले लग जाऊँ। यह तन जा रहे छार के कहे कि पवन उड़ाओ, ये विरह रूपी अग्नि मुझे जलाकर राख कर दे और मेरी राख को ये पवन उड़ाकर ले जाए। मकुते ही मारग होई परे कत धरे जहाँ पाऊँ, तो हवा मेरी राख को उस रास्ते पे बिछा देना जहाँ से मेरे पति आ रहे हों, जिससे कम से कम मैं उनके पैर तो स्पर्श कर पाऊँ। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम बारह मासा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।